नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आज की जो वीडियो है उसमें मैं लेकर आई हूँ एक बिगिनर्स पेंटिंग ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही इजी टेक्निक ऑफ पेंटिंग और जिसमें हम यूज़ करेंगे क्यू टिप क्यू टिप या जैसे हम कहते हैं ईयरबड तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डार्क ग्रीन कलर लेंगे और एक नैरो ब्रश लेंगे और इस तरीके से लाइन्स बना लेंगे जैसे मैं बना रही हूँ तो जब ये लाइन्स बन जाएंगी इसके बाद हमें क्या करना है हमें एक ईयरबड लेना है या क्यू जैसे हम कहते हैं एंड आपको उसे डिप करना है ब्लू कलर में आप फैब्रिक कलर ले सकते हैं आप उसे डिप कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर आप ब्रश से उसकी टिप पे कलर अप्लाई कर सकते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्रॉडर डॉट्स स्टार्ट करके हमें डॉट्स को ऊपर थोड़ा नैरो करना है रिक्शा जब आप फर्स्ट टाइम डॉट्स लगा रहे हैं तो उन्हें आप थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में लगाइए सो दैट जब आप उसमें नेक्स्ट कलर ऐड करें तो उसे भी उसमें ब्लेंड इन होने का जो है चांस मिले और दोनों कलर अलग से पॉप आउट हों जैसे कि अभी हम पिंक कलर यूज कर रहे हैं तो पिंक कलर आप क्यूटिप पे लगाइए एंड इन बिटवीन द ब्लू डॉट्स आप उसे लगा दीजिए तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं एंड आप इस तरीके से स्केटर्ड uh, भी बना सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट फ्लावर बनाया है या फिर जैसे मैं अभी बना रही हूँ थोड़ा uh, थोड़ा जो नैर है या थोड़ा जो टाइट uh, हमने इसमें डॉट्स लगाए हैं तो दैट्स अप टू यू फिर हम ब्लू uh, कलर से इसका एक बो uh, बना देंगे रिबन बो बना देंगे एंड जो हमारी ये पेंटिंग है ये हो जाएगी कम्प्लीट तो so गाइज़ ये था हमारा लेवेंडर फ्लावर एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं और नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ओके okay, तो so आप गेस्ट करिएगा हम क्या बनाने वाले हैं तो so, so, अब हम लेंगे थोड़ा सा ब्रॉडर ब्रश एंड उससे हम सिंगल स्ट्रोक से हम इसके पेटल्स बना लेंगे तो so, हमने पहले ऑरेंज कलर से पेटल्स बनाए और अब हम एक सेकेंड लेयर ऑफ पेटल्स बना रहे हैं विद द येलो कलर तो गैस जो भी प्रोडक्ट्स uh, मैं इस वीडियो uh, में यूज़ कर रही हूँ वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दिए हैं आई एव प्रोवाइडेड देयर लिंक्स एंड इन केस यू वॉन्ट टू बाई दैम तो आप उन्हें वहाँ से ले सकते हो तो अब मैंने बना ली है इसकी स्टेम और स्टेम ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन और अब मैं बना रही हूँ लीव्स तो आप बस कर्व्ड लाइंस बनाइए एंड लीव्स बन जाते हैं बहुत इजी हैं आप देख सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ एंड फिर उनके अंदर आप कलर फिल इन कर दीजिए एंड जहाँ जहाँ आपको लग रहा है सूटेबल आप लीव्स बना सकते हो फ्लावर के आसपास या स्टेम के ऊपर देन जो ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ कि मैं येलो कलर से उसको जो लीव्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ आई डोंट नो मुझे ये अच्छा लगता है एंड वो एक बहुत ही अच्छा सा नाइस ग्रीन कलर बन जाता है जो आ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फिर मैं क्यूट पे ब्राउन कलर लेके फ्लास्क के सेंटर में कुछ डॉट्स लगाऊंगी सो so दैट कि अब ये इनका जो थोड़ा लुक है वो सन फ्लावर की तरह लगे तो ये स्काइज हमने ये बनाया सन फ्लावर अच्छा बन गया है अच्छा लग रहा है एंड तो सन फ्लावर जो है हमारा कंप्लीट हो गया तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट पेंटिंग और ये मेरी काफ़ी फेवरेट है इसमें हम लेंगे ब्राउन कलर एंड थोड़ा नैरो ब्रश एंड उससे हम ट्विक्स uh, बना लेंगे एंड ट्विक्स को हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे जैसे जो हम टहनियाँ बना रहे हैं उसे कुछ नहीं करना है कर्व लाइंस बना के आपको उसे आगे से आगे एक्सटेंड करते जाना है बहुत इजी है ये बनाने में एंड इस तरीके से हम काफ़ी सारी ट्विग्स जो है वो बना लेंगे जैसे आप देख सकते हो कि मैं अभी इसको एक्सटेंड कर रही हूँ आगे तो इसी तरीके से एक्सटेंड कर करके आप पूरा एक ट्री बना लेंगे फिर हम क्यू टिप पे पिंक कलर लगा कर डॉट्स बनाएंगे एंड डॉट्स को आपने थोड़ा सा ड्रैग करना है ड्रैग करके लाइक उससे एक फ्लावर जैसी शेप देनी है तो पहले आप जो ट्विक्स के जो बिल्कुल तो उनके जो टिप पॉइंट है आप वहाँ पे फ्लावर्स बना लीजिए तो आप पिंक कलर से फ्लावर्स बना लीजिए नेक्स्ट आप और भी कलर्स ले सकते हैं लाइक रेड ले सकते हैं वाइट ले सकते हैं अगर इन केस आपका क्लॉथ जो या फैब्रिक जो है वो कलर्ड है तो नेक्स्ट हम रेड कलर से भी वैसे ही सेम फ्लावर्स बना लेंगे जैसे हम अभी बना रहे हैं तो फिर कुछ जो फ्लावर्स हैं वो मैंने नीचे की तरफ गिरते हुए बनाए हैं सो दैट कि एक इम्प्रेशन हो कि वो नीचे गिर रहे हैं झड़ रहे हैं फ्लावर्स फिर हम वाइट डॉट्स लगा के जो फ्लावर्स हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देंगे एंड देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ये तो हमारा जो चेरी ब्लॉजम ट्री है वो रेडी हो गया है चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट पेंटिंग तो जैसे मैं लाइंस बना रही हूँ ऐसे लाइंस बनानी है एंड एक सेमी सर्कल जैसा कुछ बना देना है उसके बाद हम इसकी स्टेम बनाएंगे जो ना ज़्यादा थिक ना थिन और नॉर्मल साइज़ में हम इसकी स्टेम बना लेंगे इसके बाद हम बनाएंगे इसमें लीव्स तो ये लीव्स थोड़े डिफरेंट है जो हमने पहले बनाए थे उससे बट ईजी हैं आप देख सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ तो यू कैन ईजिली मेक इट देन हम लेंगे क्यू टिप उस पर हम येलो कलर लगाएंगे एंड हम फिर से डॉट्स लगा देंगे काफी अच्छा लग रहा है ये और अब हम लेंगे नेक्स्ट कलर जो है रेड एंड रेड से भी हम इसमें डॉट्स लगा देंगे अब हम बना लेते हैं नेक्स्ट फ्लावर जिसमें हम यूज कर रहे हैं ऑरेंज कलर एंड इसमें भी हम येलो uh, से फिर डॉट्स लगाएंगे एंड नेक्स्ट में यूज कर रही हूँ पिंक कलर एंड पिंक के साथ भी मैंने कंबाइन किया है येलो कलर तो येलो मैंने तीनों फ्लावर्स में यूज़ किया है सो दैट एक सिमेट्री क्रिएट uh, हो जाए और ये देखने में अच्छा लगे तो ये हमने बनाए हैं डेन डेलियर तो ये थी, थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर इनमें से कोई भी आर्ट आप घर पे रिक्रिएट करते हो तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे जरूर टैग करेगा मुझे देखकर अच्छा लगेगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना सब्सक्राइब कर दो एंड बेल बटन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड आज की वीडियो मैंने बनाई थी हिंदी में तो वो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना एंड मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही दूसरी किसी वीडियो में तब तक के लिए शब खैर